तो अभी जो है बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है, ब्रीडिंग वालों का जो मैं दाना लेकर आया उनको दाना डालता हूँ और चेक करते हैं अपने बेबी पिजन्स जो ना नए जो निकले हैं वो ओके हैं कि नहीं, और मेन जो ना अपने शहजादे वाले चेक करते हैं ओके हैं कि नहीं है। बड़ा जो है ना बेसब्री से इंतजार था इसकी ब्रीड का, तो माशाल्लाह अभी बेबी पिजन्स निकले हैं, अभी देखते हैं तो क्या सीन है। पहले यहाँ पे देख लेते हैं ये वाले ओके हैं कि नहीं है। ये वाले तो मुझे ओके ही लग रहे हैं, मैंने काफी सारे नर अंदर छोड़ दिए थे यहाँ पे, जो हमारा काला जीने ना वो बार बार इस क्रेट में घुस रहा था, लेकिन जो ना इन बेबी को तंग वंग नहीं कर रहा था, इन बेबी को पता नहीं ऐसे छेड़ रहा था यूं यूं करके ना, तो मैंने कहा ऐसा नहीं ना नुकसान पहुंचाए, लेकिन नुकसान उसने नहीं पहुंचाया था तो गुड सीन था। बाकी यहाँ पे हमारे अंडे, अंडे भी देख लेते हैं ओके हैं कि अटकी, तोड़ तूड़ तो नहीं दिए किसी ने, नहीं इसकी तो ओके इसके तो, ओ माशाल्लाह ये क्या सीन है, ओए बेबी निकल आया इतनी जल्दी इसका तो, ओ भाई साहब माशाल्लाह माशाल्लाह, ले जी गुड न्यूज हो गई है ये तो। बेबी कब निकला इसका मुझे तो अता पता ही नहीं है, मैं तो सोचा था अभी बड़ा टाइम है इसके अंडों को, लेकिन नहीं बेबी तो निकल आया इसका, यानी फिर इसका भी फिर निकलने वाला होगा, दूसरा अंडे में से नहीं निकला अभी तक। और ये भी क्रैक हो रहा है चेक करें, यानी इसकी तो ब्रीड दोबारा से आ गई है। चले गुड सीन हो गया, बड़ा ही गुड सीन हो गया, रॉकेट के बेबी आ रहे हैं। तो बाकी यहाँ तो कुछ नहीं था, यहाँ वाले बेबी ना थोड़ा सा अजीब हो गया, एक बेबी के अंदर ना मतलब मसला हो गया, ये वाला तो ओके लेकिन ये वाला बेबी जो है ना ठीक नहीं है, भाई पता नहीं कौन सा नया वायरस है क्या है मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे पॉक्स तो नहीं लग रहा कहीं से भी। मैं जो ना आप दोस्तों को भी दिखाता हूँ इसको ना, मैंने पॉक्स वाली मेडिसिन भी खिलाना स्टार्ट की हुई और इसको मैं पिंकी भी लगा रहा हूँ इसके पॉक्स पे, जो कि मुझे पॉक्स लग नहीं रहा, चेक करें कान के अंदर से बाहर निकल रहा है, अजीब सी ये जो ना मतलब बीमारी है, पॉक्स है क्या है, पॉक्स तो नहीं लग रहा मुझे कहीं से भी, क्योंकि पॉक्स वाली मेडिसिन से ये ठीक भी नहीं हो रहा, बाकी के जो भी पॉक्स होते ना वो सारे ठीक हो जाते, लेकिन ये नहीं ठीक हो रहा। तो आंखें देखें अभी से कितनी जो ना वाइट वाइट सी हैं, इस बार जो ना बड़ा प्यारा जो है ना प्यार लगाया था, सोचा था बेबी दोनों सही आएंगे, लेकिन जो है ना इस बेबी के साथ मसला हो गया है, तो ये ठीक भी नहीं हो रहा, पता नहीं क्या इलाज है इसका, ये कोई नया ही मुझे लग रहा है। मार्केट में भी जो ना देखे थे मैंने, तो मार्केट में भी ना कुछ बेबी पिजन्स इसी तरह के आए हुए थे जिनको ना कानों से पॉक्स निकले हुए थे, तो इसको भी वही मसला हुआ है, पता नहीं कैसे हुआ है अभी यहाँ पे जो है ना इसको, हालांकि मच्छर भी नहीं आ रहे, अभी मैंने देखा है हाथ में आगे भी काफी दिन से मैं इनको मेडिसिन के लिए आ रहा हूँ ना, मच्छर वगैरह भी नहीं होते कहीं से भी नहीं घुस रहे, लेकिन जो है ना इसको पता नहीं ये कैसे निकल आया, हो सकता है हमारे सफाई करने से पहले मच्छर ने काटा हो इसलिए कान के अंदर ही पॉक्स बना हो, बाकी इधर उधर कहीं नहीं काटा साले ने, कान में ही काटा इसको। तो बाकी अब चेक करते अपने शहजादे वाले, माशाल्लाह दोनों एक ही साइज में चल रहे हैं अभी तक तो, माशाल्लाह माशाल्लाह, तो इनके साथ तो कोई सीन नहीं चला, लेकिन एक हैवी वाला सीन चल गया, वो है सीन जो है ना मैं अभी आप दोस्तों को बताऊंगा। यहाँ पे अपना चेक करें सैलकोटी नर बैठा हुआ है, तो इसके पता नहीं कितना टाइम रहता है बेबी निकल के आने में, तो हैवी वाला सीन क्या क्या चला अपने साथ जो है ना वो मैं आपको बताता हूँ बाहर चल के। तो ये वाला भी जो ना अपना एक रॉकेट का बेबी है, इसको भी जो ना ब्रीडिंग के लिए रोक रहा हूँ, क्योंकि ये भी जो ना सही पला नहीं था, थोड़ा कमजोर था और ये जो ना सही पॉक्सों में भी भरा हुआ था माशाल्लाह, अभी जो इसके सारे पॉक्स जो है ना गिर गए, चेक करें पूरा जो है ना इसके जहाँ से बाल उतरे में सारा पॉक्सों में भरा हुआ था, ये चोज भी इस साइड से पॉक्स में भरी हुई थी, अभी माशाल्लाह बिल्कुल सेट तो हो गया, जान में भी आ गया, पर भी इसके सही है, लेकिन जो ना इसको रोकेंगे ब्रीडिंग के लिए ना, क्योंकि ये थोड़ा सा साइज में ना मतलब इतना खास नहीं निकला, थोड़ा छोटा सा निकला है, लेकिन यहाँ पे खा पी के सेट रह जाएगा, बाहर निकालेंगे ना बाहर सही नहीं होगा, कमजोर हो जाएगा। तो वैसे भी ये कलर का ना हमारे पास एक भी बेबी नहीं है, जो पहले एक उड़ता होता था वो भी गायब हो गया था, तो मैंने कहा चलें इस कलर को ना देखेंगे अपने पास रोके आगे जाके कैसा बनता है, और एक उस कलर का भी रुका हुआ है दूसरे कलर का व्हाइट वाला, ये तो दोनों जो ना है एक एक कलर के जो ना रुक गए अपने पास अब, तो दोनों का जो ना पता चलेगा आगे जाके कैसे बनते कलर में, तो ये गुड सीन है। बाकी अब इस वाले के भी दोनों बेबी रोकेंगे उड़ाएंगे नहीं, तो ये भी जो है ना फिर आपस में क्रॉस भी करा पाएंगे ना, इनको मेरा बड़ा दिल है रॉकेट और शहजादों को ना आपस में डालने का, तो अगर इनमें से कोई फीमेल निकल आई ना तो इनके साथ डाल सकेंगे, या तो मैं तो कहता हूँ दोनों इस बार फीमेल निकल आ जाए। हैवी सीन जो चले ना वो मैं आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों अभी जो है ना बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है, अभी जो ना मैं ऊपर आया था, मैंने ब्रीडिंग वालों को दाना वगैरह भी डाल दिया, तो हैवी सीन जो चले ना वो जो ना मैं आप दोस्तों को बताता हूँ। तो अभी से ना दो दिन पहले जो ना फ्राइडे वाले दिन जो ना मुझे एक कॉल आई थी सुबह सुबह के टाइम पे, लेकिन जो ना मैं सोया हुआ था मैंने उस कॉल को रिसीव ही नहीं कर सका, तो जैसे ही मैं उठा ना मैंने अपना मोबाइल चेक किया, भाई किसी की ना कॉल आई है, मुझे पता था ये कॉल किस लिए आई हो सकती है, मुझे ना ज़्यादातर कॉलें वगैरह नहीं आती, मेरा नंबर जो है ना वो किसी के भी पास नहीं है ज़्यादातर ना, फैमिली वगैरह में भी ना बहुत कम लोगों के पास है, तो मैं समझ गया वो कॉल जो है ना किस लिए आई है। मैं जैसे ही उठा ना नींद से मैं सीधा ऊपर छत में भाग के आया, मैंने भाई को जो ना कॉल बैक कर दी, मैं जैसे ही कॉल बैक की सामने से जो ना भाई मुझे कहते हैं आप तहा बात कर रहे हो, मैं तो फिर कन्फर्म हो गया किस लिए कॉल आई है, मैंने कहा जी मैं तहा बात कर रहा हूँ, मैंने कहा आपने सुबह में मुझे ना कॉल की थी, कहते हैं जी हाँ मैंने आपको कॉल की थी, तो आपका जो है ना मैंने एक कबूतर पकड़ा है
तो मैंने कहा किस तरह का कबूतर है? वो कहते मैंने ना कबूतर रखे हुए नहीं है, मुझे ज्यादा पता नहीं है कबूतरों के बारे में, काला सा कबूतर था। मैं सोच रहा है काला सा कबूतर अपना कौन सा गया, लेकिन आज से ना तकरीबन कोई हफ्ता पहले हमारे दो कबूतर गायब हुए थे, पहले एक दिन जीरा और दूसरे एक दिन जो है ना शहजादी पट्टी। तो मेरे को ना सीधा शक गया अपनी शहजादी पट्टी पे, क्योंकि वो थोड़ी काली काली सी भी है। मैं भाई से पूछ रहा आप कहाँ पर रहते हो मुझे बता दो, मैं जो है ना लेने आ रहा हूँ। तो भाई जो है ना मुझे कहते हैं यार मैं तो ना लांचो पे होता हूँ मनोड़ा में ना, वो एक समंदर टाइप सा एरिया है, जिन भाइयों को नहीं पता उनको मैं बता रहा हूँ। तो कहते हैं मैं ना वहाँ पर होता हूँ, तो कबूतरी जो है ना आपकी ना पानी में आके गिर गई थी, मैंने जो ना निकाल ली थी अपने पास रखी, अब मैं जो ना उसको घर नहीं ले जा सकता था, क्योंकि मेरे घर में ना बेबी बच्चे वगैरह होते हैं, तो वो जो ना उसको मार देते। मैंने आपको सुबह में कॉल की, आपने उठाई नहीं, अगर आप सुबह में कॉल उठा लेते ना तो मैं आपके लिए ना अपने पास ही रखता, लेकिन जो ना मेरे से ना एक भाई जो ना लेके चले गए, मैंने रिंग उतार के ना आपको कॉल कर ली थी। मैंने कहा यार भाई आपने ये तो सबसे बड़ी गलती कर दी, वो कबूतर तो बढ़ गया आपसे ना, मैं आ जाता लेने आप अपने पास ही रखते तो, लेकिन जो ना उन भाई ने जो ना वो कबूतर जो ना किसी और बंदे को दे दिया, और वो बंदा जो ना तो शौकीन था, वो जो ना उनसे ये बोल के ले गया कि मैं जो ना कबूतर रखे हुए तो आप जो ना मुझे दे दो, वो रख नहीं सकते थे अपने पास, उन्होंने जो ना उस बंदे को ही दे दिए। तो मैंने भाई से ना कॉल पे बात की, मैंने कहा आपका वो बंदा जब भी मिले ना तो आपने उस बंदे को पकड़ के ना कबूतरी वापसी लेके ना मुझे कॉल जरूर करनी है, लेकिन जो ना दो दिन हो गए अभी तक भाई की कॉल नहीं आई। तो मुझे लगता है कि वो बंदा जो है ना भाई को नहीं मिल रहा, शायद उन्होंने कहा था कि आपकी अमानत है तो मैं ना आपको वापसी जरूर दिलवाऊंगा, लेकिन मुझे तो यही लग रहा है कि भाई को जो ना वो बंदा अब नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपको पता है कबूतर जो है ना एक बार कोई ले ले तो फिर वापसी उस बंदे के सामने नहीं आता जिससे लिया होता है। तो ये सीन जो है ना अपने साथ चला है, भाई कह रहे थे काला सा कबूतर है, काला सा कबूतर था, हमारा कोई गए नहीं, बस दो ही गए थे, एक जीरा एक शहजादी पट्टी। जीरा तो अपना यहीं से ही गायब हो गया था, और शहजादी पट्टी अपनी आसमान में से जाके गायब हुई थी। तकरीबन जो है ना हमारे पास से जब गायब हुई ना उसके 5 दिन बाद जो है ना कॉल आई है, मुझे तो समझ नहीं आ रही 5 दिन तक वो किधर घूम रही थी, घर क्यों नहीं वापसी आई। अब पता नहीं वो शहजादी पट्टी ही थी कि जीरा था, ये नहीं समझ आ रही, जो भी था जीरा था, तो 6 दिन बाद जाके वहां पे गिरा है। तो देखते हैं भाई की फिर कॉल आती है कभी के नहीं आती है, उनको वो बंदा मिलता भी है कि नहीं मिलता है। तो ये हैवी सीन जो है ना चला था, तो मैंने कहा आप दोस्तों के साथ भी जो है ना शेयर करता हूँ। तो अभी जो है ना क्या सीन है, अभी मैंने अपने कबूतर वगैरह तो नहीं खोले हुए, लेकिन जो है ना बेबी जॉन्स को ना हम लोगों ने कल कलर वगैरह जो है ना मार दिया था, और बेबी जॉन्स को कलर मारते ही मैंने छोड़ा, पानी डाला, सारे के सारे जो है ना नहा गए, सारा का सारा जो है ना इन्होंने अपने कलर करा बेड़ा गरक सा कर लिया। तो मैं जो ना आप दोस्तों को दिखाता हूँ, इतना हम लोगों ने ना घंटे लगा लगा के इनका कलर सुखा सुखा के इनको छोड़ा था, लेकिन फौरन ही जो ना इन लोगों ने नहा के जो ना गंदा कर लिया। तो कोई नहीं, अभी जो ना कबूतर अपने खोलते हैं, इनको उड़ाते भी हैं, बाकी जो ना अभी इन बेबी पिजन्स वगैरह को ना पर बांध के जो ना बाहर भी छोड़ दें। चेक करें पहला बेबी पिजन जो ना मैंने सक्सेसफुली बांध दिया, इसको जो ना बाहर छोड़ देता हूँ, चेक करें इसको मैंने बाहर छोड़ दिया, बाकी थोड़े बहुत और कबूतर भी बाहर निकल देता हूँ ताकि परेशान ना हो अकेला बाहर हो ना। तो बाकी भी जो ना बेबी पिजन्स के फिर जल्दी जल्दी पर बांध के उनको भी बाहर छोड़ता हूँ, देखे अंदर जाने की कर रहे हैं तो फौरन से। तो चेक करें फाइनली आंटों के जो ना पर बांध दिए मैंने और इनको जो ना बाहर छोड़ दिया, इतने शरारती हैं बार बार जो ना यहाँ पे ऊपर चढ़ रहे, तो इनको जो ना देखना पड़ रहा है, ऐसे जो ना छोड़ के नहीं जा सकते इनको, और वैसे भी हमारे यहाँ पे हमेशा बिल्ली वगैरह का खतरा होता है, कभी भी आ जाती है, तो इसलिए इनको ऐसे छोड़ के तो नहीं जा सकते, जब आएंगे तब इनको ना अब ये के खोल सकेंगे बाहर। 3-4 दिन जो है ना इनको बाहर जमीन पे बैठाएंगे, फिर जो ना मैंने कलियां ऐसी बांधी है कि 3-3 जो ना पक्की बांधी है, 4-4 बल्कि पक्की बांधी है, बाकी 3-3 जो ना ऐसी मतलब बांधी में, तो वो जो ना 3-4 दिन बाद जो ना खोल देंगे, बाकी 4-4 कलियों में जो ना फिर ऊपर यहाँ पे टंकी पे इधर उधर जो ना घूमते रहेंगे, फिर अभी तो इनको नहीं छेड़े, थोड़े टाइम बाद जो है ना इनको फिर छेड़े छुड़े लगाना शुरू करेंगे, फिलहाल अभी जो है ना चेक कर सारे के सारे अंदर घुसने की कर रहे हैं। तो जो है ना यहाँ पे थोड़ा बहुत दाना मारता हूँ ताकि बाकी के कबूतर भी नीचे उतरे और ये जो ना उनको देख के थोड़ा रिलैक्स हो जाए, अभी अंदर अंदर ही जो ना घुसने के लिए कर रहे हैं, थोड़ा बहुत दाना मारता हूँ और देखता हूँ फिर क्या करते हैं, बीच में आ रहे ही नहीं है साले। तो मुट्ठी भर के मैंने दाना जो ना निकाल लिया और यहाँ पे जो ना फेंक देता हूँ, चेक करें दाना मैंने डाला और जैसे ही कबूतर जो ना नीचे आ गए, तो 3 जो है ना फीमेल्स भी जो ना मैंने बाहर निकाल के छोड़ दिए, कौन कौन सी मैं जो ना आप दोस्तों को दिखाता हूँ किधर हैं वो फीमेल्स। एक तो ये रही, चेक करें ये रही दाना खा रही है, जोड़ों से निकाली थी ना, इसके बेबी भी हैं यहाँ पे घूम रहे हैं, नए वाले ही 2 बेबी घूम रहे हैं इसके अभी। तो और किधर है भाई यान, और किधर गई नजर नहीं आ रही, किधर गई है यार, गायब हो गई दोनों की दोनों फीमेल, बस एक ही नजर आ रही है अभी तो, और तो फीमेल्स किधर शार्ट हो गए। ओह अच्छा एक ये उड़ रही है, चेक करें ये आ रही है अंबर सिरी फीमेल जो हमें गिफ्ट आई थी, काफ़ी टाइम से ब्रीडिंग में थी, अभी मैंने बाहर निकाल दी और अभी ये उड़ भी रही है, देखते हैं अभी वापसी छत में आके उतरती है नहीं उतरती, छत भूल तो नहीं गई कहीं, नहीं भाई इतनी आसानी से कैसे भूलेगी छत, अभी घूम रही है, देखते हैं क्या सीन है। अभी मैंने बाहर छोड़ा था, अभी तो बैठी हुई थी जाल पे, पता ही नहीं चला कब उड़ गई, देखते हैं वापसी आती है क्या सीन बनाती है। बाकी एक और भी फीमेल है, वो बटेरी सी फीमेल, वो पता नहीं नीचे उतरी हुई है किधर है, हाँ नीचे बैठी हुई है ना, वो तो मुझे नज़र ही नहीं आ रही कबूतर में, चेक करें वो बैठी हुई
ये दाना खा रही है, इसको भी बाहर छोड़ दिया, तो दो बाहर बैठी हुई है, एक उड़ रही है अभी खाली, ये भी उड़ के आ चुकी है। सो तो जैसे ही छोड़ता ये नीचे बैठी और ऐसे ही निकल गई, फिर दो चक्कर मार के आ गई, ये आ गई अंबर सिरी फीमेल भी। चेक करें कैसे पर चला रही है, हवा में काफ़ी तेज चल रही है अभी, देखते हैं फिर आती है उतरती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी बेबी विजन भी सारे अपने नीचे ही बैठे हुए कोने में ही, आ रहे नहीं है बाहर की साइड को ना, तो मुझे खुद को ही निकालना पड़ेगा इनको। इनको सोचो ना बाहर करता हूँ, ये देखे किधर चढ़ गया, स्पाइडर मैन बन रहा है। चलो भाई जाओ ना बीच में, जाओ ना छत के कोने में, ये चमड़ गए सारे के सारे। ये आ गई है मादी, चेक करें नहीं, गिरदान तीनों जो मादियाँ थी ना बस वही मैंने बाहर छोड़ी, अभी इनको फिलहाल वापसी से ब्रीडिंग में भी नहीं लगा। ओ भाई एक मस्त कबूतर आ रहा है, चेक करें थोड़ा चुड़ी मारी के लिए भी देखते हैं, अगर चुड़ी मारी हो जाए तो। VIP कबूतर है भाई जान, नर लग रहा है मुझे तो। दाना वाना मारते हैं, बेबी भी जब इनको छोड़ते हैं अभी दाना मार के इसको भी उतारने की कोशिश करते हैं। आओ, दाना डाल दिया, चेक करें अपने कबूतर दाना खा रहे, ताकि अपनी अपनी कबूतरी भी उतर जाए और वो भी अगर देख रहा है तो आके उतर जाए इधर हमारी छत में। किधर गया, गायब ही हो गया वो कबूतर तो। लो खैर कोई नहीं, बेबी जन को मैं सेटिंग में लेकर आता हूँ, थोड़ा आज पहला दिन है ना बाहर, डर रहे काफी। चेक करें जो ना कहाँ पे आके बैठ गई है, मैं इसको छत में ढूंढ रहा, इधर उधर ढूंढ रहा, मैंने कहा यार ये तो किसी ऊंची छत में बैठी हुई नजर ही नहीं आ गई, पूरा नीचे आ गई थी, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अभी अभी देखा तो सामने में बैठी है ब्रीडिंग केज के बिल्कुल सामने में, चेक करें ये ब्रीडिंग केज हमारा और वो सामने में बैठी हुई, तो कहीं नहीं गई, छत में ही है समझ लें भाई। ये मेरे ख्याल में ब्रीडिंग केज पे आके उतरना चाह रही थी तो इसलिए यहाँ पे जो है ना बैठ गई, क्योंकि बिल्कुल सामने बढ़ देना, अभी आ जाएगी टंकी में, जाल में भी बैठ जाएगी ना, फिर आ जाएगी छत में घूमती फिरती रहेगी। बेबी भी जैसे ना मैंने सारे अंदर कर दिए, अभी धूप काफी ज्यादा हो रही है ना, तो इसलिए जो है ना वो हाँप रहे थे बहुत ज्यादा, जो है ना टकरे मारते, बार बार छलांगे मारते ऊपर, तो मैंने कहा अभी बंद कर देता हूँ, शाम में जो है ना इनको बाहर खोलेंगे। इस वीडियो को जो है यहीं पे एंड करते हैं, बड़ा हैवी वाला सीन जो है ना चला अपने साथ, लेकिन खैर कोई नहीं है, तो कबूतरबाजी में जो है ना चलता ही रहता है। तो अभी नए पट्टे छोड़े में इनको भी जो ना सारों को मैंने रिंग डाल दी है नंबर वाली, तो वैसे कोई कॉल तो करता नहीं, वो भाई भी शौकीन नहीं थे इसीलिए जो ना उन्होंने कॉल कर ली, मुझे लग रहा है अगर शौकीन होते तो वो भी कॉल वगैरह नहीं करते, अपने पास ही रखते फिर। तो खैर कोई नहीं, फिलहाल देखते हैं उन भाई की जो ना हमें कॉल आती है, वो बंदा उनको मिलता है कि नहीं मिलता है, तो जब उनकी कॉल आएगी नहीं आएगी तो पता चल जाएगा, कभी जो ना खुद कॉल करके जो ना मैं उनसे पूछ लूंगा वो बंदा आपको मिला कि नहीं मिला। तो खैर कोई नहीं, फिलहाल वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलेगा आपसे चलेगा नई वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।